काशी पर विश्वास, 400 की आस। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो किया, यानी जनता के भरोसे का शक्ति प्रदर्शन। फिर भगवान विश्वनाथ और काशी के कोतवाल की पूजा की, यानी दैविक ताकतों का शक्ति प्रदर्शन। और फिर एनडीए के तमाम सहयोगियों के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंचे, यानी अपने नेतृत्व का शक्ति प्रदर्शन करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में दिखे। तमाम शक्ति प्रदर्शनों के बीच पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि जनता उन्हें इस बार 400 से ज्यादा सीटों का आशीर्वाद देगी। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। काशी में पीएम मोदी के शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या है, पहले ये रिपोर्ट देखें। दिल्ली की कुर्सी पर हैट्रिक के इरादों से प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से तीसरी बार नामांकन पर्चा भरा और बता दिया कि एनडीए 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेगा। हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए, और देश इस मेरे भावना को और देश के आदेश को एक बराबर से ट्यूनिंग है। एक दिन पहले लोगों के भरोसे की ताकत का प्रदर्शन और दूसरे दिन नेतृत्व का शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी से नामांकन करने पहुंचे तो पूरे देश ने उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखा। एक तरफ पूरी काशी मोदी मोदी के नारे से गूंज रही थी तो दूसरी ओर बीजेपी से लेकर एनडीए के सहयोगी अब की बार 400 पार का दावा ठोक रहे थे। वाकई में हम एक पैन इंडिया पार्टी का रूप ले रहे हैं। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का नॉमिनेशन पेपर था, हमारा सौभाग्य था, मेरा खास करके कि मुझे मौका मिला आने का। माहौल तो आप देख रहे हैं, ये लोगों में क्या उत्साह है, क्या जोश है, जल्लोश है। और मोदी जी के प्रति जितना सम्मान दिख रहा है, आदर दिख रहा है, इससे साफ है कि 2014 2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 पार का नारा है वो भी पूरा हो जाएगा। सरलता से हम लोग इस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर लेंगे, जहां पूरा गठबंधन एक साथ हम लोग एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो बटा हुआ विपक्ष भी हम लोग को दिखाई देता है। ये सारा जो माहौल है, देश की जनता जिस तेजी के साथ, जिस खुशी के साथ सामने आकर वोट दे रही है, ये पूरा मोदी जी की विजय, एनडीए की विजय का ये प्रतीक है। प्रधानमंत्री के नामांकन के लिए बीजेपी के दिग्गज तो थे ही, एनडीए के करीब करीब सारे सहयोगी भी काशी पहुंचे थे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, शिवसेना के सर्वसर्वा एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल, अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस, आरएलडी के जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, आरपीआई के रामदास अठावले, जनसेना पार्टी के पवन कल्याण समेत तमाम सियासी दिग्गज प्रधानमंत्री के नामांकन में मौजूद थे। बनारस की धरती का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यहां के नामांकन किए हैं और जो 4 जून का रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे। राजनीति में अपने अपने दावे किए जाते हैं, बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितनी सीटें देखते हैं आप? यूपी की 80 सीट है और 80 में मुझे कौन सी सीट हार रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रही। ऐसा नेता देश में दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आज उनके नामिनेशन में हम लोग आए हैं। सौभाग्यशाली है देशवासियों के लिए कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री आए, उनको अपनी शुभकामनाएं देने आए हैं। और तीसरी बार बनारस की काशी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से विजय श्रीखंड तिलक लगाने जा रही है और तीसरी बार उनकी हैट्रिक लगने जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष प्रधानमंत्री के नामांकन और शक्ति प्रदर्शन को लेकर निशाना साध रहा है। उत्तर प्रदेश तो खैर हमें भरपूर आशीर्वाद देगा ही देगा, कोई कमी नहीं रहने देगा, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में? वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां। और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े ऐसे,
यूं यूं हाथ हिला रहे, उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है। हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं, प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है, जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। नामांकन भरने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल कल करती गंगा को नमन किया। गंगा की आरती और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचे। पीएम के पहुंचने से पहले ही सीएम योगी मंदिर के अंदर मौजूद थे। वहां मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मंदिर के पुजारियों ने भी विधिवत मंत्रोच्चार कर पूजा पाठ कराया। प्रधानमंत्री ने काल भैरव की आरती उतारी। एक दिन पहले पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा भी की थी। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 5 किलोमीटर का रोड शो किया था और आज पर्चा दाखिल किया। एक तरफ पूजा पाठ तो दूसरी तरफ पीएम का शक्ति प्रदर्शन। आज तक प्योर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी? न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। न पक्ष न विपक्ष, न लेफ्ट न राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी? न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। न पक्ष न विपक्ष, न लेफ्ट न राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।